अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की जो इजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ये इसमें ये है सैंडविच। हम लोग सैंडविच बहुत ही सिंपल से बनाएंगे, जो कि हम लोग अक्सर लंच में बच्चों के लिए यूज़ करते होते हैं। जिसमें मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो है ये वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने क्यूकम्बर और अनियन लिए हैं, जिनको मैंने इस शेप में काटा है पतले पतले से। क्या उसके बाद हम लोग, ये हमारे पास है टोमेटो केचप, ये मैं एडम्स की सैंडविच स्लाइस, चीज स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा ब्रेड चाहिए हमें। पहले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजीएस्ट और बहुत ही यम्मी सैंडविच होते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये केचप स्प्रेड करेंगे। अब हम लोग ये अपने एक एक स्लाइस रख रहे हैं चीज का। अब हम इनके ऊपर रखते हैं अपने वेजिटेबल्स। सेम हम अपने दूसरे स्लाइस पे भी रख देते हैं। आप इनको थ्री लेयर्स भी बना सकते हैं इसके, मैं सिर्फ टू बना रही हूँ। ये हो गए हैं जी वेजिटेबल्स इसके ऊपर। अब हम इनको ऐसे रख देते हैं इसके ऊपर। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होगा आपको, बस सिर्फ ब्रेड, चीज़ और टोमेटो केचप और साथ थोड़े से वेजिटेबल्स। अपनी मशीन में रखने बिस्मिल्लाह। हम लोगों ने इनकी एंड्स नहीं काटी, अक्सर आप लोग ये ब्रेड की एंड्स काट लेते हैं ना, लेकिन इसमें काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गए हैं जी फिक्स। अपन को बंद कर देते हैं। ये हो गए हमारे सैंडविच रेडी। हमारे बहुत ही इजी और सिंपल से चीज़ी यम्मीएस्ट सैंडविच रेडी हो गए, जिसमें ना हमारा ज़्यादा टाइम लगा और ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज हुए। ये हमारा चीज़ी सैंडविच रेडी हो गया। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा।